क्या बतमीजी है? कोई बात नहीं मैडम, कभी कभी बड़े बड़े पढ़ने आए हो कि ये करने आए? मैं ऐसे आते पढ़ने? ये क्या है? ये मेरा चश्मा। जल्दी निकालिए, ये बैग ऐसे आता है? मिला खोल के मैं नहीं, किसी ने खोल दिया था रास्ते में, मेरा चोरी तो नहीं हुआ? चोरी हुआ? ऐसा कोई आता है अपने पढ़ाई करने? ये क्या करने? बैग रखा रखते हैं यहाँ पे? क्या रखते हैं? कुछ नहीं, ये तो मेरा पॉकेट देखो सही से। आपको अरबी आता है? नहीं आता है ना? अरबी इंग्लिश उर्दू मत करो, मैं आज जो पढ़ाने वाली थी वो ना बता। देखो आपने जो मुझे दिया था वो हर सही दुर्गा ही और सौ दुर्गा और वो सब लिखा हुआ। मैं ये दी थी देखो, इसको रोज पढ़ाई नहीं करने का बहाना तो यही तो दिए थे। नहीं पढ़ाई करने का बहाना, मैं ये कहाँ दी थी? क्या दिए थे? सब करके आ देखो, तुम किसी और का कॉपी लेके आ गए हो और ये बोल रहे हो? मैडम जोर से लग रहा है। मैं तो बोली थी तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने के लिए, तुम अपने पेरेंट्स को बुला के क्यों नहीं लाए? पेरेंट्स नहीं है ना, घर पे नहीं है ना। कहाँ गए तुम्हारे पेरेंट्स? वो तो आउट ऑफ इंडिया गए। आउट ऑफ इंडिया? इतना झूठ बोलते हैं। तो ऐसी बोलते हैं मैं आउट ऑफ इंडिया में हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं तुमको नंबर मांगी तो नंबर भी दिए आउट ऑफ कवरेज से बाहर, बताओ। आउट ऑफ इंडिया है तो आउट ऑफ कवरेज से बाहर ही तो बोलेगा। और आपके पास बैलेंस नहीं है तो कहाँ से लगेगा? मेरे पास ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरे पास बैलेंस नहीं है? अरे इंडिया में जो लोकल कॉल होता है वो नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना पड़ेगा। बदतमीजी मत करो, मान दे लियो। पढ़ाई करने आते हो ना, पढ़ाई कर लिया करो, समझेगी नहीं? पढ़ाई करने तो आता नहीं है तो आप कहाँ पढ़ाने आते हो? आप तो पढ़ाने नहीं हो, खाली बगल 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 तुम क्या कर रहे हो? जुबान चलाते हो टीचर से, टीचर से जुबान चलाते हो? कौन बोलता है तुमको जुबान चलाने के लिए? इतना मार खा के भी पढ़ाई नहीं होता है? मर्द को दर्द नहीं होता है? बड़े आए मर्द होता है। पूछूंगी तो कुछ नहीं आएगा, अभी एक दूसरे का पापी चुरा के लिए आए। इंट्रोड्यूस करो अपने बारे में खुद को। हु आई एम? आई एम मोहम्मद फारूक। हु आई एम भी बोलते हैं? मैं कौन हूँ? मेरा नाम मोहम्मद फारूक। ठीक से एक्सप्लेन करो नाम को भी। नाम को कैसे एक्सप्लेन करें? नाम को ना अपने आप एक्सप्लेन करो। क्या तुम I am 24 years old. I am in class 5 and मैं क्लास 5 में हूँ कि मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ बोलेंगे कि क्लास 5 में हूँ? I am studying in 5 class. एकदम कुछ नहीं आता, मैं सब बताऊंगी। मैं बताऊंगी। एक्सप्लेन करने भी नहीं आता है। योरसेल्फ बताओ अपने बारे में पूरा अच्छे से, पहले तुम्हारा नाम, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फादर मदर, फिर कितना क्लास पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, ये सब बोला जाता है माय सेल्फ में। पहले सुनो मेरा बात। जब भी माय मदर मेरी संसार बेगम, ये मैं कौन सा बच्चा को दे रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए? जो ये तो पढ़ाई का नाटक ज्यादा, कभी कभी भूत बन के आ जाएगा, कभी चश्मा पहन के आ जाएगा। बच्चों वाला आपके साथ मैं मजाक नहीं करूंगा, मैं सीरियसली पढ़ूंगा, मुझे प्लीज पढ़ाओ। नहीं पढ़ेगा तुमको, नहीं पढ़ेगा।
मैं तुमको अपना ट्यूशन से निकाल दूंगी। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन करो। मेरा नाम मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी का नाम, उसके बाद मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, बस इतना ही तो। मैं जाना चाहती हूँ, उसमें आता ही माय नेम इज अली फारूक, माय फादर नेम इज अली जबीर, माय मदर नेम इज संता बेगम, आई एम रीडिंग इन क्लास 5 एंड आई एम 24 इयर्स ओल्ड। कहाँ रहता है? कोई इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? मेरा नाम पता है, मतलब उसको क्या बता रही हूँ, यहाँ दिखाओ, ऊपर थोड़ा करो। मैं कहाँ रहता हूँ इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पता। आई लिव इन सोनापली। सोनापली संबलपुर। कहाँ? संबलपुर। ठीक है, तो टूवेल का स्पेलिंग बोलो। TWO2VEL। वाओ वाह, देखो ये होता है टूवेल का स्पेलिंग, गलत है। टूवेल का स्पेलिंग ऐसे होता है, छोटे छोटे बच्चों को अभी आता है, क्लास 1-3 के बच्चों को आता है। मैं 3 क्लास में तो पढ़ता हूँ। क्या 5 से क्लास 3 में आ गए? तो ऊपर उठाओ, 24 इयर्स के है और क्लास 5 में पढ़ते हैं वहाँ। ज्यादा मेरे साथ आगे मैं करूँ ना तो फिर पढ़ेगा, समझेगी नहीं? पढ़े तो कुछ नहीं, पढ़ाने को कुछ नहीं होता। हाँ बता, मूर्खों ने तो टीचर से बदतमीजी करेंगे। 19 का स्पेलिंग बोलो। FOURTY फोर में होता है FOUR4 और 40W नहीं, फोर में FOUR लगता है और 40 में लगता है FORTY 40। ये फिर भी कम है, नहीं पढ़ के आने की सजा है। 100 का स्पेलिंग बोलो। 100 जोर से बोलो, जोर से सुनाई नहीं देता है देखो, जोर से बोलो। HUNDRED 50 FIRTY 96 NINTY 90 XIS SIX 120 500 के साल करो। मुझे कितना 1000 कहाँ से आएगा? क्यों नहीं आएगा? आप सिखाए हो क्या मुझे?
कब सिखाया? देखो तो कॉपी में लिखा है क्या था उसमें, क्यों मतलब तुमको 500 का भी नहीं सिखाया था, तुमको आया ना उस तरीके से तुमको याद करना चाहिए, मतलब जितना ज्यादा याद कर लोगी क्या और ज्यादा याद कर। हाँ और ज्यादा सुनते मैं तो बदतमीजी से बात कर, मुंह नहीं लड़ाओ, नेक्स्ट क्लास में थाउजेंड स्पेलिंग पढ़ के आना, टी एच ओ यू एस ए एन डी, ज्यादा याद करके आया तो भी मार पड़ता है, कम याद करके आया तो मार पड़ता है। यह वाला को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? है यह वाला, ये वाला दिस इज, दिस इज बोलेंगे, दिस वन, दिस इज भी हो सकता है, दिस वन भी। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, जल्दी टाइप नहीं है, मुझे जाना है दूसरे जगह। द फोन इज रिंगिंग, गैजेट से दिखाओ, नखून में लग गया, सॉरी। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो? यू नेवर नो, वाह वाह, डू यू नो, यू नेवर नो, मुझे पढ़ने दो, रीडिंग में, रीडिंग में, कहाँ से इंग्लिश क्या फिर? Let me study. आज के लिए इतना, अब नेक्स्ट क्लास में फिर मैं तुमको पढ़ाऊंगी, ठीक है? और थाउजेंड का स्टडी याद करके आना, और नेक्स्ट क्लास टेस्ट लूंगी, ठीक है? टेस्ट में अगर फेल है तो बहुत भयानक पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग का वीडियो कैसा लगा पूरा वीडियो देखने के बाद हमारी वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, और आपको पनिशमेंट वीडियो अब एक महीना बाद ही मिलेगा देखने को, क्योंकि कल से रमज़ान स्टार्ट है, तो हम लोग रमज़ान में ये सब वीडियो नहीं बनाएंगे, और हम लोग हो सकता है रमज़ान में आप लोग के लिए छोटा मोटा ब्लॉग बनाएंगे इफ्तारी का, रमज़ान के टाइम में हम लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो वो सब वीडियो हम लोग बनाएंगे, तो वो सब वीडियो में आप लोग हम लोग का वीडियो को बहुत सारा लाइक शेयर प्यार। आपसे मिलते हैं एक महीने बाद पनिशमेंट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।